हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का, जो कि हमारा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अर्थात त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज 3.3। और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 से, अर्थात क्वेश्चन नंबर 13 से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसके प्रीवियस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक सोल्यूशन उसका बता चुके हैं। तो आप सबको अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन नंबर 1 से और 12 के बीच में, तो आप उस वीडियो को देख सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x ये इक्वल है साइन 4x इंटू साइन 8x के। अब चलिए देखते हैं कि कैसे ये जो कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x है ये साइन 4x इंटू साइन 8x के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। कहने का मतलब है, सबसे पहले यहाँ पे हम इसे लिखते हैं कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। अब देखिए, अगर हम इसे ए माने ए स्क्वायर और इसे बी स्क्वायर, तो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हम इस चीज़ को ऐसे तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए के जगह पे कॉस स्क्वायर 2x है और बी स्क्वायर के जगह पे कॉस स्क्वायर 6x है। तो चलिए इस फॉर्म में इसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आप सब इसे साइड में लिख सकती हैं या ऐसे ही रहने दीजिए। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकती हैं, या इसे हम हटा ही देते हैं यहाँ से। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 2x प्लस कॉस 6x, ये ए प्लस बी हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस 2x माइनस कॉस 6x, ये हमारा हो जाएगा दूसरा। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉस ए प्लस कॉस बी, मतलब आपको हम फार्मूला बैठे थे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का, ये आप फार्मूला जानते हैं। और यहाँ पे हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का, ये हमारा फार्मूला होता है जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। देखिए इसमें फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आप फार्मूला नहीं याद किए हैं तो सबसे पहले उसे याद कीजिए। ये बात मैं आपसे कई बार बोल रही हूँ क्योंकि फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वरना बाद में आप यही कहेंगे कि हमें ट्रिग्नोमेट्री समझ में ही नहीं आया। तो जब आप फार्मूला नहीं याद करेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो फार्मूला क्या होता है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का, फार्मूला होता है 2 cos x + y / 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ पे हम उन सभी फार्मूलों को लिखते हैं। यक्स के जगह पे यहाँ पे हमारा 2x है और यहाँ पे हमारा क्या है 6x है। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 cos x + y, x + y मतलब 2x + 6x बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, 2x - 6x / 2, ये हमारा हो जाएगा इसे। ये तो हमारा इसका था। अब हमारा यहाँ पे क्या है, कॉस 2x माइनस कॉस 6x, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये हो जाएगा 2 cos 2x माइनस कॉस 6x का फार्मूला क्या होता है, माइनस 2 होता है, माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई, तो माइनस 2 साइन x + y मतलब 2x + 6x हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दोनों जगह हम सिर्फ फार्मूला यूज किए हैं। फार्मूला हमारा था cos x + cos y, तो ये फार्मूला क्या था, 2 cos x + y / 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 हो गया, ये हमारा यक्स था, ये हमारा वाई था, तो यहाँ पे हम 2x - 6y / 2 हो गया। अब यहाँ पे यूज करेंगे तो इसका फार्मूला होता है -2 sin x + y / 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पे हम सॉल्व इसे जब करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 6 और 2 8 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो इसे हम लिख क्या सकते हैं, 2 cos 2 से डिवाइड किए तो कितना हो गया है, 4x हो गया है इंटू कॉस, अब यहाँ पे देखिए 2x - 6x, आप कहेंगे -4x हुआ। अब -4x में आप 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, अर्थात -2x हो गया। हम आपको क्या बताए थे कि cos - 2x अर्थात cos - x बराबर होता है cos x, और x के जगह पे हमारा 2x है, तो इस चीज़ को हम ये cos 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा cos 2x। अगला आप देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखिए -2 हमारा आगे है, ठीक है, तो इसे ऐसे रहने देते हैं।
सिक्स प्लस टू मतलब एट, और एट में जब टू से डिवाइड करेंगे तो फोर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन फोर एक्स इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन टू माइनस सिक्स माइनस फोर हुआ, माइनस फोर में अगर टू से डिवाइड करेंगे तो माइनस टू होगा। अब आप देखिए साइन माइनस टू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे साइन में तो माइनस रहता है तो आगे आता है, तो माइनस साइन टू एक्स हो जाता है। ये सभी कंडीशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर आप प्रीवियस पार्ट वीडियो नहीं देखे हैं स्टार्ट से तो आपको ये सभी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वहीं पे हम आपको वहाँ पे समझाए थे फार्मूले के साथ, प्रूव करवाए थे कि कैसे कॉस टू एक्स है और कॉस एक्स होता है और साइन माइनस टू एक्स रहता है तो माइनस साइन टू एक्स होता है। तो अगर आप देखते आ रहे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसका यूज हम कई बार कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन टू एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस साइन टू एक्स, क्योंकि ये इंटू में है तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इसे लिख देते हैं। अब देखिए तो इसे आप सॉल्व कीजिए, ये तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये कॉस फोर एक्स हो गया इंटू कॉस टू एक्स, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस टू है और माइनस, जब यहाँ पे इंटू हम कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे टू साइन फोर एक्स इंटू साइन टू एक्स है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब आप कहेंगे कि इसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा कॉस फोर एक्स है और ये हमारा साइन फोर एक्स है, तो साइन टू एक्स बराबर हम आपको बताए थे ये फार्मूला होता है, साइन टू एक्स बराबर क्या होता है, आप कहेंगे ये होता है टू साइन एक्स, इसे हम प्रूव भी करा चुके हैं, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये फार्मूला होता है। अगर हम यहाँ पे कहें कि साइन फोर एक्स बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू साइन टू एक्स, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे एक्स लिए थे तो यहाँ पे एक्स आया, अब जब हम यहाँ पे साइन फोर एक्स ले रहे हैं तो बात तो ये मतलब फोर एक्स का फार्मूला यहाँ पे क्या जाएगा, जैसे यहाँ पे एक्स लिए थे तो यहाँ पे एक्स आ रहा, तो वैसे यहाँ पे जब हम फोर लेंगे, सबसे पहले इसे हम साथ में लिखते हैं, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को और ये वाला पार्ट एक साथ लिखिए, तो टू कॉ टू साइन फोर एक्स इंटू कॉस फोर एक्स ये हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हुआ हमारा, इसे हम करते हैं ये हमारा बचा और ये वाला पार्ट, और साथ में टू भी है, टू साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स। अब देखिए टू साइन फोर एक्स इंटू कॉस फोर एक्स, तो साइन टू एक्स बराबर क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देखिए टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये होता है साइन टू एक्स बराबर, एक्स जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, पर हमारा एक्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक्स क्या है, फोर एक्स है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा फोर हो जाएगा। अब खुद समझिए, बस आप इतना ध्यान दीजिए कि फार्मूला साइन टू एक्स बराबर होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हमारा फोर एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन टू इंटू फोर एक्स हो जाएगा, ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन एट एक्स, चार दुनिया आठ, एट एक्स हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या है, टू साइन टू एक्स इंटू टू एक्स, इसे हम लिख सकते हैं साइन टू इंटू टू एक्स, एक्स की जगह पे हमारा टू एक्स है और यहाँ पे एक्स की जगह पे फोर एक्स है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन टू और टू में इंटू करेंगे फोर एक्स, अर्थात ये हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन एट एक्स इंटू साइन फोर एक्स, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बच्चे इसलिए डर जाते हैं क्योंकि वो उन्हें पता नहीं रहता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे सॉल्व करें। तो आपको उसके क्या करना है, जो जो हमें दिया रहता है उस हिसाब से आप सोचिए, यहाँ पे हमें स्क्वायर के फॉर्म में दिया था तो हम सोचते हैं कि स्क्वायर को कैसे तोड़े, तो यहाँ पे तरीके तो फार्मूले बहुत है, आप कहते हैं कि टू एक्स का हम यहाँ पे लगाते वैल्यू, लेकिन वो सबसे कुछ होने वाला नहीं था, आगे आप फंसते ही जाते, तो आप ऐसा मतलब उसको उस चीज़ को छोटा कन्वर्ट करने छोटा रूप में बदलने की कोशिश कीजिए, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फार्मूला लगा के उसे अलग अलग तोड़ दिए हैं, फिर यहाँ पे हमारा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फार्मूला बन गया तो उसे इस तरीके से तोड़ दिए हैं, और यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा मिला है, थोड़ा सा सॉल्व किए हैं तो हमें यहाँ पे साइन टू एक्स और साइन मतलब यहाँ पे टू एक्स का रूल दिखा है, यहाँ पे भी साइन टू एक्स का, तो हम इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ऐसा ही कुछ है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको प्रूव करना है साइन टू एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स ये इक्वल दिखाना है फोर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन फोर एक्स।
तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है उस चीज़ को हम लिखते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x लाना है। इसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको आप सोच रहे हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप कि जो साइन 2x है और साइन 6x है, अगर इसको हम एक साथ लाएं तो हमारा यहाँ पे फार्मूला के रूप में आ रहा है। वो फार्मूला क्या है, साइन x प्लस साइन y का। आप कहेंगे हाँ इससे तो हो सकता है, तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, साइन x प्लस साइन y का फार्मूला रखेंगे। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है 2 sin x + y, मतलब 2x + 6x / 2 इंटू cos 2x - y, मतलब 2x - 6x / 2। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे हमारा था क्या, तो यहाँ पे हमारा था 2 sin 4x, तो इसे हम इस तरीके से लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए इसे थोड़ा हम सॉल्व करते हैं और, तो हो जाएगा ये हमारा 2 sin 6 2 8, 8 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x हो जाएगा इंटू cos 6 - 2 में से -6 करेंगे तो -4, और -4 2 से डिवाइड करेंगे तो -2, और cos -x बराबर होता है cos x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम cos 2x हो सकता है। देखिए वही चीज़ बार बार यूज रहा, तो आपको यहाँ पे मतलब डीप में समझाना नहीं जरूरी है कि cos x को हम cos -x को कैसे हम cos x लिए हैं, क्योंकि आप जब क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आप सीधे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अलग से आपको बताने या दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा इस प्रकार से हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, साइन 4x यहाँ पे भी है, 2 sin 4x, और यहाँ पे भी है। हम कॉमन ले सकते हैं इसको, आप कहेंगे हाँ इसे तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए हम कॉमन लेते हैं। दोनों तरफ से साइन 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचे का क्या है, यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे +1 बचा। अब देखिए आपको यहाँ पे हम 1 को ख़त्म करते हैं। 1 को ख़त्म करने के लिए हमारे पास cos x के कई फार्मूले हैं। अब आप सोचेंगे cos x के तो हम 4 फार्मूले पढ़े थे, cos 2x के है, तो cos 2x का आप 4 फार्मूला आपको तो हम बताए थे, लेकिन कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे रखें उससे हमारा 1 ख़त्म हो जाए, 1 कैंसिल हो जाए। तो आप कहेंगे एक फार्मूला हमारा है 1 - 2 sin² x, तो वहाँ पे 1 तो हमारा ख़त्म नहीं होगा। और एक हमारा फार्मूला क्या है, 2 cos² x - 1, और ऑलरेडी यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारा, बचा हमारा 2 sin 4x इंटू 2 cos² x, ये हमारा बचा है। और देखिए 2 में जब 2 का इंटू कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 sin, देखिए 2 में 2 का इंटू का तो 4, या आप इसे पहले लिख सकते हैं 4 cos² x इंटू साइन 4x। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे सॉल्व होगा। ये हमारा क्या है, आंसर है, जो कि हमें प्रूव करना था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ किए नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए हैं। पहले फार्मूला लगाए थे साइन एक्स प्लस साइन वाई का, उसके बाद यहाँ पे एक फार्मूला यूज किए हैं कॉस 2x का, इसे हमारा 1 यहाँ पे कैंसिल हुआ है, और इसे हम यहाँ पे इस तरीके से प्रूव किए हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, cot 4x ब्रैकेट में है sin 5x प्लस sin 3x, ये इक्वल है cot x ब्रैकेट में sin 5x माइनस sin 3x। अब यहाँ पे हमें इसे प्रूव करना है। तो आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है, आपको सिर्फ अंतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये प्लस में है और ये माइनस है। इसका मतलब हमें मतलब इतना सॉल्व करना होगा कि ये लाएँ, इससे अच्छा है इन दोनों को हम सॉल्व करके इक्वल दिखा देते हैं। इसे पहले सॉल्व करते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं दोनों क्या हमारे इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ हम इसे इसके बराबर इक्वल लिख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को हम साइड साइड में लिखे हैं। अब यहाँ पे भी हम इसे सॉल्व करेंगे और फिर इसे सॉल्व करते हैं, क्या देखते हैं दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लिखा क्या है कि cot 4x और ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x। तो क्या यहाँ पे हम sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप कहेंगे हाँ हम लगा सकते हैं, हम देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जो फार्मूला यूज करें, लेकिन आपको वही फार्मूला यूज करना है जिससे हमारा ये प्रूफ हो। यहाँ पे चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कई बच्चे sin 3x का फार्मूला रख रहे होंगे, तो मतलब वो पागल वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है उससे। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे sin x प्लस sin y का फार्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए रखते हैं।
अब आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है 2 sin x + 5 मतलब 5x + 3x / 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई मतलब 5x - 3x / 2। ये हमारा होता है। अब यहाँ पे देखिए इसे थोड़ा सा और सॉल्व करती हैं। ये 4x हो गया, 2 sin 5x + 3x मतलब 8x और 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 4x होगा इंटू कॉस 5 में 3 जाएगा 2 होगा, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो x बस बचेगा। तो यहाँ पे हमारा मिल क्या रहा है, यहाँ पे हमारा मिल जा रहा है 2 cos 4x इंटू साइन। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा देखिए और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये cot 4x है, ये कितना है cot 4x है। तो क्या इसे हम cos 4x अपान साइन 4x लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ इसे हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या है 2 sin 4x इंटू cos x है, तो 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा 2 cos 4x इंटू cos x, ये हमारा यहाँ पे बचा। अब इसे भी हमें सॉल्व करना है और यही लाना है। अगर यही आता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे इक्वल हैं, अगर नहीं आता है तो इक्वल नहीं होगा। लेकिन सिद्ध करने के लिए दिया है, इसका मतलब इतना ही आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सेम वही प्रोसेस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस है तो हम फार्मूला यूज करेंगे माइनस वाला। तो माइनस वाला क्या होता है, 2 cos x + y मतलब 5x + 3x / 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई मतलब 5x - 3x / 2। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व करेंगे, cot x ये हमारा 2 cos 5 3 8 और 8 मतलब 4x इंटू साइन, यहाँ पे जाएगा हमारा x हो जाएगा क्योंकि 5 - 3 जाएगा 2 होगा और 2 से 2 नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा, साइन x हो गया। अब cot x है तो इसे हम लिख सकते हैं cos x अपान साइन x, आप इसे लिख सकते हैं इंटू हमारा क्या है cos 4x इंटू साइन x, ये हमारा नीचे इंटू में है तो साइन x से साइन x कैंसिल, यहाँ पे बचेगा क्या 2 cos 4x, ये वाला इंटू क्या बचा है cos x बचा है। अब आप देखिए दोनों ध्यान से, तो दोनों हमारा यहाँ पे जो भी आया है वो सेम है 2 cos 4x इंटू cos x, और यहाँ पे भी क्या है 2 cos 4x इंटू cos x। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन में दिया था cot 4x इंटू sin 5x प्लस sin 3x ये इक्वल होगा cot x ब्रैकेट में sin 5x माइनस sin 3x के, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे दोनों मान हमारे यहाँ पे क्या है इक्वल हैं। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव करना है आपको cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x ये इक्वल है माइनस sin 2x अपॉन cos 10x के। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इसके इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा दिया था cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस साइन 3x। यहाँ पे हम क्या करती हैं, ये हमारा है cos x माइनस cos y, यहाँ पे इसका फार्मूला रखते हैं और नीचे हमारा क्या है साइन x माइनस साइन y। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि cos x और cos x माइनस cos y और साइन x माइनस साइन y बराबर होता क्या है। तो ये होता है 2 sin, तो यहाँ पे रखते हैं 2 sin x + y मतलब 9x + 5x / 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई मतलब 9x - 5x / 2 ये हमारा हो गया। अब अपान क्या होता है साइन एक्स माइनस साइन वाई का होता है 2 cos x + y मतलब 17x + 3x / 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब आप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin 9 + 5 कितना होगा यहाँ पे 14 मतलब 7x लिख सकते हैं हम इसे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा 2x अपान 2 cos 10x इंटू देखिए यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा कितना 10 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा है 17x। तो ऐसे है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा,
कितना होगा यहाँ पे 70 माइनस 3 मतलब 7x। तो यहाँ पे देखिए 7x से 7x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? बचा हमारा यहाँ पे, ये फार्मूला माइनस होता है तभी तो सोचूं कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं रहा। फार्मूला हमारा यहाँ पे माइनस होता है तो ये माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो बचेगा माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, जो कि हमें यही प्रूव करना था। देखिए कितना छोटा सा था क्वेश्चन, तुरंत मतलब सिर्फ फार्मूला पे रखें और हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये हमारा क्वेश्चन था 16। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया है, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x ये इक्वल है टेन 4x, से हमें प्रूव करना है। अब आप सोच रहे होंगे साइन कॉस में है यहाँ पे तो 10 में आ गया, अब हम क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, नहीं आएगा तो देखा जाएगा, फिर से कोशिश किया जाएगा। ऐसा तो है ना कि आएगा ही नहीं, क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व होगा ही। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि साइन एक्स प्लस साइन वाई, इसका फार्मूला यूज करके इसे हम थोड़ा सा सॉल्व तो कर ही सकते हैं, तो चलिए फार्मूला यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, साइन 5x प्लस साइन 3x अपान दिया गया है कॉस 5x प्लस कॉस 3x। अगर आप देख के ही कहेंगे कि हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आपने सॉल्व किया ही कहाँ, आप तो सिर्फ देख के कर रहे हैं कि हम इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप एक बार कोशिश करते तो शायद आपका आंसर आ जाता। तो यहाँ पे कई बच्चे होते हैं कि सोचते हैं कि एनसीईआरटी तो बहुत ही कठिन होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो आसान होता है। बस ये होता है कि आपको वहाँ पे अधिक सारे क्वेश्चन नहीं, मतलब एक टाइप का तो एक दो क्वेश्चन सिर्फ मिलता है, इसलिए सबको लगता है कि वो कठिन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी सब बुक मतलब अगर आप पढ़ें तो आसान ही होगा। अब यहाँ पे देखिए सीधे फार्मूला यूज करना है, तो फार्मूला हम यूज करते हैं साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है टू साइन एक्स प्लस वाई मतलब 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस होता है, इंटू यहाँ पे क्या होता है कॉस होता है कॉस x माइनस वाई मतलब 5x माइनस 3x बाई 2, ये हमारा हो गया। और नीचे से हम कॉस x प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये होता है 2 कॉस x प्लस वाई मतलब 5x प्लस 3x बाई 2 और इंटू कॉस एक्स माइनस वाई मतलब 5x माइनस 3x बाई 2, ये हमारे यहाँ पे फार्मूला यूज हो गया। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 2 साइन 5 3 8 2 4x हो जाएगा इंटू कॉस 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 3x हो जाएगा, अपान क्या बचेगा 2 कॉस 5 3 8 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x इंटू 5 में 3 जाएगा 2x, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 3x हो जाएगा कॉस x। यहाँ पे देखिए कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन 4x, क्योंकि यहाँ पे देखिए बचा हमारा क्या, बचा है साइन 4x अपॉन कॉस 4x और साइन 4x अपॉन कॉस 4x को हम क्या लिखते हैं टेन 4x लिखते हैं। साइन अपॉन कॉस बराबर टेन होता है तो हम साइन 4x अपॉन कॉस 4x को टेन 4x लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कितना छोटा सा था, बस हमें फार्मूला रखना था और आंसर हमारा निकल गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये तो क्वेश्चन इतना आसान है कि आपको तो बताना ही नहीं चाहिए, मुझे बताने का मन ही नहीं कर रहा है। कितनी बार हम फार्मूलों का यूज कर चुके हैं, आप तो इसे देख के ही कर सकती हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। कई बच्चों का ये डाउट होता है कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो एक्स और वाई है, तो फार्मूला भी तो आपका एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया था साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ये इक्वल किसके था, टेन एक्स माइनस वाई अपॉन टू के इक्वल आना है। अब देखिए आपको यहाँ पे यूज क्या है, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। तो फार्मूला क्या होता है, टू कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई यहाँ पे एक्स प्लस वाई सीधे हम रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वही दिया हुआ है, और x माइनस वाई बाई टू ये हो गया, और अपान क्या होता है cos x प्लस cos y बराबर टू cos x प्लस y, तो हम सीधे वही रख रहे हैं इंटू cos x माइनस वाई बाई टू, ये हमारा यहाँ पे हो गया। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व भी क्या करना है, कुछ तो सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे देखिए cos x प्लस वाई बाई टू cos x प्लस वाई बाई टू ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या sin x y, यहाँ पे क्या बचा है साइन x माइनस वाई बाई टू अपान
कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू ये हमारा बचा है, और साइन अपॉन कॉस टेन होता है, और ये इसकी जगह पे क्या है हमारा एक्स माइनस वाई बाई टू, जो कि हमें यही क्वेश्चन में प्रूव करना था, और यहाँ पे ये हमारा आ गया है। तो बस सिर्फ आपको फार्मूला रखना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स ये इक्वल हमें दिखाना है टेन टू एक्स के, जो कि बहुत ही आसान है। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन थ्री एक्स की वैल्यू हमें पता है, फार्मूला होता है फोर कॉस साइन थ्री एक्स का फार्मूला क्या आता है, फोर साइन थ्री एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, तो आप यहाँ पे वो भी रख सकते हैं। तो उससे आप रखने से क्या होगा, बस आपका बढ़ा जाएगा, फिर वही प्रोसेस लास्ट में आपको करना होगा, क्योंकि कई बच्चे इस थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि इसे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब हमारा छोटे से फार्मूले में हो जा रहा है तो हम क्यों उतना लंबा बढ़ा जाए। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करते हैं साइन एस प्लस साइन वाई का। तो ऊपर देखिए हमारा क्या दिया है, साइन एस प्लस साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स। अच्छा, एक बार आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे साइन थ्री एक्स और कॉस थ्री एक्स की वैल्यू रख के, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें साइन एक्स आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व तो होगा ही, फिर देखिएगा क्या आता है, उससे भी कोशिश कीजिएगा, शायद उससे भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि मैथ है तो कई तरीके हैं, ज़रूरी नहीं कि कई तरीके से हम कर सकते हैं, तो आप कई तरीके से कर सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए हम यूज कर रहे हैं साइन एक्स प्लस साइन वाई का। अब साइन एक्स प्लस साइन वाई होता क्या है, इतनी बार हम आपको बोल चुके हैं तो आपको तो याद ही हो गया होगा, ये होता है साइन एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स माइनस थ्री एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर होता है टू कॉस एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस थ्री एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स माइनस थ्री एक्स बाई टू, ये हमारा हो गया। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, टू साइन थ्री एक्स यक्स मतलब फोर एक्स टू एक्स लिख सकते हैं इंटू कॉस यक्स थ्री एक्स में से यक्स जाएगा माइनस टू एक्स, और टू से टू कट जाएगा तो माइनस से हो जाएगा, कॉस माइनस एक्स मतलब कॉस यक्स होता है, और यहाँ पे हमारा जाएगा टू एक्स इंटू कॉस यक्स हो जाएगा। अब देखिए आप कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल होगा, टू से टू कैंसिल होगा, बचा यहाँ पे क्या हमारा साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स, सेम वही प्रोसेस जैसे हम इस पीछे करते आए, साइन अपॉन कॉस मतलब टेन टू एक्स, यहाँ पे देखिए वो चीज़ हमारा प्रूफ हो गया। आप सब इसे और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, शायद उससे भी आ जाए, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा लेकिन आ तो जाएगा ही। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, 20 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर यक्स, ये आपको इक्वल दिखाना है टू साइन यक्स की। अब आप सोचिए यहाँ पे तो अभी तक तो आप सीधे साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे तो नीचे स्क्वायर आ गया, इसे हम क्या करें यार। तो देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, जो ऊपर हमारा दिया है साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, इसे हम तोड़ लेते हैं, साइन थ्री एक्स को तोड़ लेते हैं। साइन थ्री एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो साइन थ्री एक्स का फार्मूला होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स, ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे रखते हैं क्योंकि उससे थोड़ा आसान होगा। यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं, साइन एक्स हमारा ऐसे ही है, माइनस क्या होता है थ्री साइन एक्स साइन थ्री एक्स की वैल्यू माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैम ये साइन थ्री एक्स का मान कैसे आया, तो ये हमारा फार्मूला है जो कि हम आपको प्रीवियस पार्ट में फार्मूला वाले सेक्शन में वहाँ पे हम आपको इसे प्रूव भी कराए हैं कि कैसे साइन थ्री एक्स बराबर थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स है। तो अगर आपको वहाँ जानना है कि कैसे आ रहा है तो आप उस वीडियो को देख सकती हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ही होगा। और ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसे हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसे थोड़ा सा और आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स माइनस थ्री साइन एक्स प्लस फोर साइन क्यूब एक्स, यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब आप देखिए इसे हम थोड़ा लिखेंगे तो काफ़ी लंबा ही जाएगा प्रोसेस यहाँ पे, तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इससे अच्छा कि आप यहाँ पे फार्मूला मत रखिए, आप यहाँ पे कीजिए क्या कि साइन एक्स माइनस साइन वाई का फार्मूला रखिए, वो थोड़ा आसान होगा, ये लंबा जा रहा है
फिर कैलकुलेशन वही बात होगी। साइन एक्स माइनस साइन वाई ही हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो क्या होता है, टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, और नीचे हमारा क्या है, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टू कॉस थ्री मतलब फोर अर्थात टू एक्स लिख सकते हैं इंटू साइन, ये हमारा आगे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस साइन माइनस एक्स आएगा जो कि माइनस साइन एक्स होता है, और नीचे हमारा क्या है, अगर नीचे भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए नीचे हम क्या किए हैं, माइनस कॉमन लिए हैं, कॉमन लेने से क्या होगा, ये हमारा एक फार्मूला होगा, फार्मूला किसका होगा, माइनस टू कॉस टू एक्स इंटू साइन एक्स, और ये हमारा फार्मूला हो जाएगा कॉस टू एक्स का, क्योंकि आप जानते हैं कॉस टू एक्स बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वहीं हम यहाँ पे क्या किए हैं, यूज़ किए हैं, तो ये हमारा हो गया कॉस टू एक्स। और देखिए आप टू से माइनस कैंसिल हो गया, कॉस टू एक्स से टू एक्स कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे, टू साइन एक्स, और टू साइन एक्स ही हमें यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूव करना था, जो कि हमारा क्या हुआ, टू साइन एक्स आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, उसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। आई होप आपको जो भी क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 13 से 20 तक बताए हैं वो समझ में आएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपके डाउट को एक अलग से उस क्वेश्चन को वीडियो बना के बता सकती हूँ। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।